राजकोट में टीम इंडिया का कड़ा प्रहार, पहले दिन भारत के 3 सुपरस्टार, ये ना होते तो फंस जाता भारत। जी हाँ दोस्तों, राजकोट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के ऊपर कड़ा प्रहार किया है। पहले दिन भारत के 3 सुपरस्टार रहे और अगर ये ना होते तो टीम इंडिया राजकोट में फंस जाती। टीम इंडिया की हालत एक समय राजकोट में बड़ी ख़राब थी। भारत अपने 3 विकेट जल्दी गंवा चुका था और डर था कि कहीं टीम इंडिया मैच के पहले दिन ही ऑल आउट ना हो जाए और इंग्लैंड इस मैच पर हावी हो जाए, क्योंकि पहले यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और फिर रजत पाटीदार, जब ये तीनों खिलाड़ी आउट हुए तो भारत 33/3 हो गया। लेकिन उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर ऐसी बल्लेबाजी की जिसके दम पर टीम इंडिया पहले दिन मजबूत स्थिति में पहुंचा है और टीम इंडिया का साथ सरफराज खान ने भी बड़े अच्छे से निभाया। तो चलिए जानते हैं पहले दिन टीम इंडिया के 3 सुपरस्टार कौन कौन से रहे जिसके दम पर भारत मैच में अच्छी स्थिति में खड़ा है। रोहित शर्मा, जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 196 गेंदों में 131 रन ठोके। ये रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का ही कमाल था जो टीम इंडिया पहले दिन का खेल खत्म होने तक 326 रन बना पाई है और टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 14 चौके और 3 छक्के भी लगाए। रोहित शर्मा एक शानदार बल्लेबाज है। इस सीरीज में उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा ने अब रन लगाए हैं इससे टीम का मोराल भी काफ़ी बूस्ट हुआ है, क्योंकि एक समय यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा जब ओपन करने आए थे तो यशस्वी जल्दी आउट हो गए और उसके बाद शुभमन गिल भी आते ही 0 पर आउट हो गए। रजत पाटीदार भी एक ख़राब शॉट खेलकर चलते बने, लेकिन रोहित शर्मा ने उस समय काफ़ी स्ट्रगल किया, तब भी उन्होंने अपना विकेट नहीं खोया और रोहित शर्मा ने आखिरकार सेंचुरी बनाकर ही दम लिया। रविंद्र जडेजा, जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा मैच का पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद 212 गेंदों में नाबाद 110 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, 9 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं। रविंद्र जडेजा के पास यहां पर बड़ी पारी खेलने का अच्छा अवसर है, लेकिन रविंद्र जडेजा ना होते तो टीम इंडिया मजबूत स्थिति में नहीं पहुँच पाता, क्योंकि एक समय भारतीय टीम की हालत बेहद ख़राब थी। जब रविंद्र जडेजा बैटिंग करने आए तो भारत 33 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था और रविंद्र जडेजा के आने से टीम इंडिया को बड़ा फ़ायदा मिला। सरफराज खान और ध्रुव उजरेल जैसे खिलाड़ी डेब्यू कर रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ऊपर आए, सरफराज और ध्रुव उजरेल को नहीं भेजा गया और रविंद्र जडेजा का आना भारत के लिए फ़ायदा करा गया, क्योंकि उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप कर दी। रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने मिलकर 204 रनों की पार्टनरशिप की। ये 204 रन भारत के लिए बेहद ज़रूरी थे, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप नहीं आती तो टीम इंडिया मैच के पहले दिन ही मुकाबला हारने की कगार पर पहुँच जाता। सरफराज खान, जी हाँ दोस्तों, पहले दिन के हीरो रहे सरफराज खान। भारत के लिए उन्होंने 66 गेंदों में 62 रन लगाए जिसमें 9 चौके और 1 छक्का लगाया। सरफराज खान अनलकी रहे जो रन आउट हो गए, नहीं तो वो इस मुकाबले में सेंचुरी ठोक कर ही दम लेते। सरफराज खान ने 62 रन बनाए जिसमें जबरदस्त 9 चौके और 1 छक्का लगाया। सरफराज जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि वो डेब्यू कर रहे थे। सरफराज खान एक जबरदस्त खिलाड़ी है, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में खूब रन बनाए लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला और अब जब उन्हें टीम इंडिया में मौका मिला है तो वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सरफराज भी जानते हैं कि टीम इंडिया में उन्हें बाद में ऐसे मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में जो भी मौका मिल रहा है उसे भुना लिया जाए। अगर किसी मौके में वो गलती करते हैं तो इसे टीम इंडिया के लिए वो भविष्य में परेशान हो जाएंगे। तो रविंद्र जडेजा, सरफराज खान और रोहित शर्मा, ये 3 भारत के हीरो रहे। अगर ये तीनों खिलाड़ी ना होते तो टीम इंडिया पहले दिन बुरा फंस जाता। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया इस मुकाबले में पहले दिन का खेल खत्म होने तक 326 रन बना चुकी है, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। टीम इंडिया को इस मुकाबले में तकरीबन 500 रन पहली पारी में बनाने होंगे, तभी तो भारत को इस मुकाबले में मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के 3 हीरो को लेकर क्या कहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्र को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।